नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार। आज लाल बांग्ला खेरा देवी गंज में वाल्मीकि समाज के लोगों ने रवि शंकर हावेलकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित किए जाने पर भव्य स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हावेलकर जी ने सरकार की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी देते हुए साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की बेटियों के विवाह हेतु 51,000 रुपये की धन राशि के साथ साथ गरीब की बेटियों के हाथ पीले करने की जिम्मेदारी यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाल रखी है। मौके पर वंचित समाज अनुसूचित जाति कल्याण महासमिति के प्रदेश मंत्री काशीराम सागर, जिला अध्यक्ष प्रदीप सागर, मनोज बलि प्रसाद त्रिवेणी जी, आलोक जी, अरविंद खन्ना, विनय सेन, राम प्रसाद सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। उन्नाव से जैगम नकवी के साथ अस्मा खान की खास रिपोर्ट। हमारे वाल्मीकि संस्कार वंचित भारतीय के समाज को जो विश्वास प्रकट किया है और मुझे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन नामित करके भेजा है। मैं माननीय समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर रमापति शास्त्री जी की अध्यक्षता की समिति का सदस्य हूँ और उत्तर प्रदेश के मित्र मंत्री के अति प्रिय मित्र डॉक्टर लालजी प्रसाद अग्रवाल माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश अंतर्गत जाते हैं जिनके साथ मंडल को सहयोग किया उनको सम्मान मिला है। वास्तव में ये पत्रकार समाज और वंचित वर्गों को ये गर्व की बात है कि अब आपको भाई के पास एक ऐसा पोर्टफोलियो मिला है जिससे हम अपने हाथियों के समाज के हमारे संवर्धन गरीब समाज के स्तर पर छत नहीं है, जिसकी जीविका का सहारा नहीं है, जिसकी बिजली पानी स्वच्छ सफाई स्वास्थ्य शिक्षा की जिम्मेदारी है सरकार की। ये बेसिक स्ट्रक्चर को काम करने का मुझे अवसर मिला है। आज के दिन पर मुझे इस लाल बंगले पर जो हमारे आदरणीय चाचा जी काशीराम सागर जी और हमारे प्रधान नागरिक हमारे भाई बाली जी, मनोज बाली जी, धनराज स्वामी जी, शंकर लाल जी, मुकेश वाल्मीकि जी, श्रीमती रेखा जी, गीता जी, वैद्यनाथ जी, दीपू पासवान जी, हमारे साथ में हमारे मित्र विनय सेन जी, अरविंद खन्ना जी, रामप्रसाद जी और हमारे अनुज भ्राता आलोक संधवार जी, उपस्थित सभी समाज के जितनी हमारी माताएं बहनें हैं आप लोगों के इस स्वागत से मैं अवभूत हूँ। आपके प्रति कृतज्ञता करता हूँ, आपको नतमस्तक हूँ मैं कि आपने भी इस ऐतिहासिक स्वागत किया है अपने बच्चे का। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके सम्मान की एक एक बूंद की रक्षा करूँगा और अपने समाज के कल्याण के लिए शासन सरकार से जो भी उपयोगी होगा, जो भी हमारी योजनाएं होंगी वो हक अधिकार आपको दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दलितों के लिए काम कर रहे हैं, जो भी योजनाएं हैं वो दलितों के कल्याण के लिए है। अगर आप ये बात करते हैं कि स्वच्छ भारत से ही हम शुरू करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर देश स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे लोग संक्रमण से बीमार हो जाएंगे। इसके लिए आपने देखा स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने ये देखा कि हमारी वो माताएं बहनें चूल्हा फूंकते हुए उनको तपेदिक की बीमारी हो जाती है, इसलिए उन्होंने जो उज्ज्वला योजना की घोषणा की। आप देख रहे हैं फ्री में सिलेंडर बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने ये दर्द महसूस किया कि गरीबों के सर पे छत नहीं है, इसलिए हमने फ्री में आवास देने का काम किया। हमारी बहनें खुले में शौच में जाती थी, उनकी मान मर्यादा भंग हो जाती थी, कहीं कहीं बड़ी घटनाएं होती थी, हमने उसके लिए भी चिंता की और हमने ओडीओपी के तहत शौचालय देने का काम किया है। अभी इस लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि सरकार ने जिस तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और 8 महीने में हम गरीब समाज के लोगों को फ्री में खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लेबर क्लास के लोग हैं जो भूखे थे, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत में रोजगार देने का काम किया गया है। हमारे अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के माध्यम से अभी आपने पिछले महीने में देखा होगा कि हमने 13 करोड़ 11 लाख लोगों को अनुसूचित जाति के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। अभी भी आप देख रहे हैं कि हम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हमने 2,000 रुपये महीने के हिसाब से हमने 6,000 रुपये देने का काम किया। हमने महिलाओं के जनधन खाते में 1,000 रुपये भेजने का काम किया और यह आगे भी अभी नवंबर तक फ्री में खाद्यान्न की योजना है
आप ये मान करके चलिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए है, दलितों के कल्याण के लिए, सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए है। और यही एक ऐसी सरकार है जो अंतिम व्यक्ति का उदय चाहती है। और ये अंतिम व्यक्ति अगर कोई है तो वह हाशिए का समाज है, वाल्मीकि स्वच्छकार समाज है। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी ने 3,20,000 सभी पदों पर भर्तियाँ की, अन्य जितने पद रिक्त थे उसकी भी सूची तैयार की जा रही है। आप ये समझ लीजिए कि महीने दो महीने में बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने जा रही है। मैं अपने सभी स्वच्छकार भाई बहनों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि आप सफाई के ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, साथ ही Twitter, Instagram और Facebook पर फॉलो करें।